हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जब कोई कंप्यूटर सीखता है या सीख करके कंप्यूटर पर कई सालों से काम कर रहा है, अगर उनसे ये पूछा जाए कि एक कीबोर्ड में जितने भी सिंबल्स होते हैं सभी सिंबल का नाम क्या है और उन सभी सिंबल का यूज करके कंप्यूटर में काम कैसे करते हैं, तो दोस्तों अगर आप 100 लोगों से पूछेंगे तो 100 में से 5% लोग ऐसे होंगे जो इसका आंसर आपको दे पाएंगे। और दोस्तों, जब भी आप कंप्यूटर पर काम करते होंगे तो आपने भी देखा होगा कीबोर्ड में कई ऐसे सिंबल्स हैं जिसका आप यूज़ तो करते हैं लेकिन उसका नाम आपको नहीं पता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद कीबोर्ड में जितने भी सिंबल्स हैं सभी का नाम क्या है इसके बारे में आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप भी कंप्यूटर पर काम करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। एक कीबोर्ड में जितने भी सिंबल्स होते हैं सभी सिंबल का मैंने यहाँ पे पीडीएफ बनाया हुआ है और किस सिंबल को क्या बोलते हैं उसका नाम भी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे ये जो सिंबल दिया हुआ है इसे हम बोलते हैं टाइल्ड, और ये कीबोर्ड में लेफ्ट साइड में यहाँ पे टॉप में होता है। यहाँ पर ये जो सिंबल है इसे हम बोलते हैं ब्लैक क्यूट, जहाँ पे हमारा टाइल सिंबल होता है उसी के नीचे दिया होता है ब्लैक कोट। इसके बाद ये जो सिंबल है इसे हम बोलते हैं एक्सक्लेमेशन पॉइंट। यहाँ पर ये जो सिंबल है इसे हम बोलते हैं एट। जब भी हम कोई ईमेल आईडी टाइप करते हैं तो ईमेल आईडी के लास्ट में हमें देना पड़ता है एट का साइन। यहाँ पर ये जो दिया हुआ है इसे बोलते हैं हम हस, या फिर हम हस का साइन भी बोल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये जो दिया हुआ है इसे हम बोलते हैं डॉलर का साइन, जो हमारा इस तरीके से दिखा देता है। ये जो दिया हुआ है इसे हम बोलते हैं परसेंटेज, ये तो आप लोगों को पता ही है। ये जो सिंबल आप देख रहे हैं ये कीबोर्ड में जो टॉप में नंबर की होती है 6 नंबर पे होता है, इसे हम बोलते हैं कैरेट। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये जो आप कीबोर्ड देख रहे हैं यहाँ पर ये दिया हुआ है 6 नंबर पे, ये देखिए इसी को हम बोलते हैं कैरेट। इसका यूज करने के लिए आपको पहले शिफ्ट प्रेस करना पड़ता है, फिर यहाँ पर आपको कैरेट की को प्रेस करना है, फिर इसे आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर दिया हुआ है ये जो सिंबल है इसे हम बोलते हैं एम परसेंट। यहाँ पर ये जो सिंबल है इसे हम बोलते हैं स्टार। देखिए ये जो ब्रैकेट दिया हुआ है ये ओपन ब्रैकेट है, इसका जो नाम है ओपन पेरेंथेसिस। ये दिया हुआ है क्लोज ब्रैकेट, इसका नाम है क्लोज पेरेंथेसिस। यहाँ पर ये जो सिंबल आप देख रहे हैं इसे हम बोलते हैं डैश या फिर डैश की। इसके बाद दिया हुआ है इसे हम बोलते हैं अंडरस्कोर। यहाँ पर ये जो सिंबल है इसे हम बोलते हैं इक्वल, जिसे हम हमेशा यूज करते रहते हैं, और ये तो आपको पता ही है। इसे हम बोलते हैं प्लस और इसे हम बोलते हैं माइनस। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है इसको हम बोलते हैं ओपन स्क्वायर ब्रैकेट, और ये जो ब्रैकेट है इसे हम बोलते हैं क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट। कहीं भी इस ब्रैकेट को लगाते हैं तो ये हमारा ओपन करने के लिए और ये क्लोज करने के लिए। इसी तरीके से ये जो ब्रैकेट है इसे हम बोलते हैं ओपन कर्ली ब्रैकेट, या फिर हम शॉर्ट में इसे कर्ली ब्रैकेट भी बोल सकते हैं। इसी तरीके से ये जो ब्रैकेट है इसे हम बोलते हैं क्लोज कर्ली ब्रैकेट। तो जहाँ भी इसे यूज करना हो ये हो गया ओपन करने के लिए और ये क्लोज करने के लिए, क्योंकि जब भी हम कोई ब्रैकेट लगाते हैं तो ओपन करने के साथ साथ लास्ट में उसे हमें क्लोज भी करना पड़ता है। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं इसे हम बोलते हैं पाइप। ये सिंबल आपको कीबोर्ड में मिलेगा इंटर के जस्ट ऊपर, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे ये सिंबल दिया हुआ है इसे हम बोलते हैं बैक स्लैश, जो हमारा राइट हैंड साइड में तिरछा होता है। इसी तरीके से इसका ऑपोजिट है इसे हम बोलते हैं स्लैश, इसे बोलते हैं ब्लैक स्लैश और इसे हम बोलते हैं स्लैश। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में तिरछा होता है, और यहाँ पे देखिए ये जो दिया हुआ है ऊपर में डॉट है और नीचे में कॉमा, इसे हम बोलते हैं सेमी कॉलन, और इसके नीचे यहाँ पे दिया हुआ है डबल डॉट, ये देखिए इसे हम बोलते हैं कॉलन। इसके बाद यहाँ पे देखिए जब हम किसी भी टेक्स्ट में ऊपर की ओर कॉमा लगाते हैं एक सिंगल कॉमा, इसे हम बोलते हैं सिंगल कोट। ये दिया हुआ है डबल कॉमा, इसे हम बोलते हैं डबल कोट। यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये तो हमारा सिंपल सा दिया हुआ है कॉमा, जो हम किसी भी टेक्स्ट या नंबर में नीचे की ओर लगाते हैं, जो ऊपर को लगाते हैं उसे बोलते हैं सिंगल कोट, और जो नीचे लगाते हैं उसे हम बोलते हैं कॉमा। यहाँ पर यह दिया हुआ है इसे हम बोलते हैं लेस देन, जिसका मुंह लेफ्ट साइड में बंद है और जिसका मुंह लेफ्ट साइड में खुला होता है उसे हम बोलते हैं ग्रेटर देन। और ये जो आप देख रहे हैं इसे तो सभी लोग जानते हैं, इसे तो हमने बचपन से यूज किया हुआ है, जिसे हम बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा एक कीबोर्ड में जितने भी सिंबल होते हैं
सभी का नाम क्या है, और जब भी आप कंप्यूटर में काम करेंगे तो इन सभी सैंपल का यूज आपको हमेशा करना पड़ता है। आपने इनमें से कई सैंपल का यूज किया भी होगा, लेकिन किसी किसी सैंपल का शायद आपको नाम याद हो, तो इसलिए मैंने इस वीडियो के अंदर कीबोर्ड में जितने भी सैंपल्स होते हैं सभी के बारे में आपको बता दिया है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन प्रेस कर दें, ताकि मैं आपके लिए कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी जानकारी सबसे पहले मिल सके। थैंक्स।